अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आपके सब ठीक ठाक हैं? व्हाई डिजिटल मार्केटिंग? व्हाट्स द पर्पस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? व्हाई एवरीबडी से यूज डिजिटल मार्केटिंग? व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज गेटिंग सो मच इन्वॉल्व इन अवर डेली लाइफ? सो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हर जगह डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हुआ है भाई। क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट क्यों कर गई है? मुझे याद है आज से अराउंड कोई 3-4 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग थी, बट वो इतनी पेनिट्रेट नहीं की हुई थी। ठीक है, लोगों को पता था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि दिस इज समथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, लेकिन अब हर बंदे के फिंगर टिप्स पे आपकी डिजिटल मार्केटिंग अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट, दिस इज समथिंग जो बहुत जल्दी ईजिली मार्केट में या इंडस्ट्री में पेनिट्रेट कर गई है। That is one of the reason. Plus, it's always available. It's all about convenience. It's all about your ease. Digital marketing basically है क्या? देखिए, marketing तो पहले भी हो रही है, अभी भी हो रही है, conventional way से हो रही है, billboards हो रही हैं, TV ads आ रहे हैं, commercials आ रहे हैं, pamphlets हो रही हैं, newspapers में आ रही चीज़ें वगैरह, marketing आपकी हो रही है। ठीक है, मैं भी शायद अगर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आगे शेयर करो तो मेरी मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग आपकी, मैं कहता हूँ आपकी डेली लाइफ में मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग ऐसी चीज है जिसे ना चाहते हुए भी आप कह रहे हो। ठीक है, किसी जगह से आपने एक अच्छी चीज ली, अब आपने अपने दोस्त को रिकमेंड करो यार वो चीज बहुत अच्छी है उस जगह की, वो मार्केटिंग कर रहे हो। वर्ड ऑफ माउथ है ना, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, पॉजिटिव मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज समथिंग जो होती ही रहनी है भाई। छोटे हो ना मार्केटिंग कर रहे हो, बड़े हो मार्केटिंग कर रहे हो, बुजुर्ग हो गए मार्केटिंग कर रहे हो, जो मर्जी हो जाए मार्केटिंग कर रहे हो। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी डोमेन चेंज हो गई है, बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बंदे के पास आपका सेलफोन है। ठीक है, सेलफोन में फेसबुक अवेलेबल है, सेलफोन में आपके सोशल चैनल्स अवेलेबल, लिंक्डइन अवेलेबल है, गूगल क्रोम अवेलेबल है, ईमेल्स आ जाती हैं आपको, व्हाट्सएप अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपका जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हमारे पास जो सेल फोन होते थे, ऑब्वियसली कुछ ही लोग होते थे, मैं बात करूँ आज से 15-20 साल पहले, बहुत कम लोग होते थे जिनके पास टच वाले फोन हुआ करते थे। ठीक है, बटन्स वाले फोन होते थे। ठीक है, उसमें इतनी ज्यादा ईज नहीं थी फेसबुक को यूज करने में या डिजिटल चैनल्स को यूज करने में। अब आपका हर के पास टच स्क्रीन फोन है, तो आपका फेसबुक या हो गया, या लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी सोशल चैनल है, डिजिटल चैनल, उनको यूज करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, और आपका जो बिजनेसेस के लिए कस्टमर जो है वन क्लिक पे उनको मिल जाता है। ठीक है, जो मार्केट आपने बिलबोर्ड के थ्रू करना है, फिर जो मार्केट आपने टीवी एड्स के थ्रू करना है, वो जो आप डिजिटल चैनल्स के थ्रू करते हो, सोशल चैनल्स के थ्रू करते हो, जो बाय डिफॉल्ट कस्टमर को टारगेट होते हैं, हिट होते हैं, उसका जो सेलफोन है, ठीक है, उसके ऊपर आपको हिट हो रही है वो चीज़ें। ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट है, आप जल्दी मार्केट ज़्यादा लोगों को आप हिट कर रहे हो। ठीक है, टीवी एड देखता हूँ या बिलबोर्ड देखता हूँ तो कितनों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा, मेरे पास का कोई रिजल्ट नहीं है। चैनल्स के थ्रू एड्स आती हैं तो उसके टीआरपी के थ्रू हमें आइडिया होगा ना इतने लोगों ने देखा। बट जब मैं फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर या मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कोई ऐड देखता हूँ, स्पॉन्सर्ड ऐड देखता हूँ, मैं उस पर क्लिक करता हूँ या जो भी इसका सीटीए लगा होता है, ठीक है, तो जिसने लगाया उसको आइडिया हो जाता है यार इस बंदे ने देखा है, इसने इस पर्पज़ के लिए देखा है, इसने क्यूरी डाली है, या इसने लाइक किया है, या इसने फॉलो किया है, या इसने ईमेल किया है, या मैसेज किया है, या ट्रैफिक पर गया है। तो वो एक मैं उसे कहूँगा इनटेंजिबल एसेट जो है उसको टेंजिबल एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस तरह? उसको इन फॉर्म ऑफ लाइक्स मिल जाते हैं, उसको मैसेजेस मिल जाते हैं, क्यूरीज मिल जाती हैं, लीड्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑल अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स आपका एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप रैंक्स वगैरह ऊपर लेके आते हो, साइट्स को फर्स्ट पेज पे लेके जाते हो, कस्टमर आता है, हिट करता है, आपकी साइट देखता है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें ऑनलाइन सेलिंग में ले जाते हैं, आपकी डिजिटल सेल्स हो जाती है। कॉन्टेंट मार्केटिंग, कॉन्टेंट के बगैर एसईओ नहीं हो सकता, कॉन्टेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग अबाउट विदाउट कॉन्टेंट, कॉन्टेंट जरूरी है, कॉन्टेंट कितना अच्छा लिखा है वो मेन मैटर करता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऑलवेज एक्सप्लेन सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपकी ऑलवेज इन है, ईमेल मार्केटिंग है, आपकी एड्स हैं, ठीक है, आपकी डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग की तो डोमेन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दैट इज द रीजन कि पीपल से यूज डिजिटल मार्केटिंग, यूज दिस डिजिटल मार्केटिंग चैनल, यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूज एसईओ, ईमेल मार्केटिंग कर लो यार, कॉन्टेंट ऐसा अच्छा बना दो, ब्लॉग्स करो, ब्लॉग्स की एसईओ करो, रैंकिंग्स इंप्रूव करो, ठीक है, और इतना कन्वीनियंट कर दो कि कस्टमर को वन गो पे, वन क्लिक पे ही वो आपकी प्रोडक्ट से कन्विंस हो जाए, वो आपका क्लिक और ऐड टू कार्ट करके आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस कर दे। तो आप देखें ना, ये चीज़ कितनी सिंपल है। आप देखें ना, डिजिटल मार्केटिंग का मैं आपको फायदा बताता हूँ। मैं भी इस वक्त अपने घर में बैठा अपने मोबाइल डिवाइस से जो है ना, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करूंगा, वो वायरल नहीं कहूंगा, वो लोगों को उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर, स्पेसिफिक क्यूरीज पे उनको मिलना शुरू कर देंगे वीडियोज।
अब यही अगर ये चैनल अवेलेबल ना होता तो मैं क्या करता, मुझे अगर कुछ सिखाना है जो मैं कहता हूँ लर्निंग विद उमर फहीम फ्री प्लेटफॉर्म, तो मैं क्या करता, या मैं ऐड देता न्यूज़पेपरों में जाके ऐड देता, या फिर मैं कमर्शियल चलवाता, या मैं बिलबोर्ड लगाता, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता जिस वजह से मैं कर ही ना पाता। अब क्या है, वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंट डाल रहा हूँ, जेन्युइन कंटेंट समझा, जेन्युइन कंटेंट है समझा रहा हूँ, और फिर क्या होगा यूट्यूब पर डालूंगा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, तो मेरी कंज्यूमर रीच अच्छी होगी ना, कि मुझे पता है इजिली मैं कस्टमर को टच कर सकता हूँ। अदरवाइज ऑल द वे अराउंड मुझे बिलबोर्ड के थ्रू, मुझे टीवी एड के थ्रू, या मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू, उस पर मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी। अभी तो क्या है, ये फ्री है ना, इट्स ऑल अबाउट फ्री। अब फ्री में ही सिखा रहा हूँ, फ्री में ही बता रहा हूँ आपको, फ्री में ही वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शेयर करूँ। हाँ, जो एक्सपीरियंस है उसके लिए मुझे 5 ईयर्स जॉब की मैंने, फिर उसका एक्सपीरियंस लिया, अब वो जो स्ट्रैटेजीज मैं लगाता हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग का फायदा देखिए ना, फायदा कितना ज़्यादा हो गया है। अब वन को पे बैठे बैठे चीज़ें शेयर कर रहे हो, वन को पे बैठे बैठे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हाँ, जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो निकालना बड़ी बात है। इन्फॉर्मेशन तो आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, बेशुमार चैनल्स हैं, बेशुमार मीडियम से आपको मिल जाएगी अप्रोच, बट टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन इज समथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। और जो इस चीज़ को समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में राइट कस्टमर को राइट वे से कैसे टच करना है, तो वो अपनी सेल्स भी जनरेट कर लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत फायदा है, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज ही हैं, कॉन्स तो खैर नहीं है। तो दैट इज़ अ रीज़न, द बिगेस्ट रीज़न इसके कस्टमर्स जो हैं वो बहुत जल्दी आप उनको अप्रोच कर सकते हो। द फास्टेस्ट यू अप्रोच योर कस्टमर्स, द फास्टर यू गेट द रिजल्ट्स, एंड द रिजल्ट्स आर इन फॉर्म ऑफ बिजनेस, सेल्स, कन्वर्जन्स, जिसके बारे में लूनी दुनिया कहते हैं, कन्वर्जन्स एंड कन्वर्जन्स फिगर्स नंबर्स, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स ये सारे हैं। अब आपने डिसाइड करना है कौन सा चैनल यूज़ करना है, SEO करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग देखनी है, ईमेल मार्केटिंग देखनी है, कंटेंट मार्केटिंग देखनी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग देखनी है, वायरल मार्केटिंग देखनी है, एड्स देखनी है, डिस्प्ले मार्केटिंग देखनी, क्या करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो समझिए डिजिटल मार्केटिंग को बहुत बड़ा डोमेन है, आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी डोमेन होने वाली, एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बाहर के मुल्कों में तो बहुत बहुत लोग चार्ज करते हैं, हमारे मुल्क में तो भी हम लोग उतना चार्ज ही नहीं करते क्योंकि अवेयरनेस नहीं लोगों को, बट स्टिल इट्स इवॉल्विंग एंड विल बी इवॉल्व्ड, ठीक है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज लाइन, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, क्या पर्पस है, किस तरह कस्टमर को जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किस तरह कस्टमर को जल्दी अप्रोच कर सकते हो। जितना जल्दी अप्रोच करोगे उतना जल्दी बिजनेस के दिमाग में बैठा पाओगे, अपनी पोजिशनिंग सेट कर पाओगे। STP सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग कोर पिलर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, प्लस कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर के साइकी, कंज्यूमर के सर्च पैटर्न, कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बायर जर्नी, ये सारा कुछ आपका डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू।